till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attached. अब हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। अब इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम क्या होता है कि सपोज़ एक बीम है हमारे पास, एक बीम है। अब इस बीम के ऊपर से एक मूविंग लोड जा रहा है, मतलब ये लोड क्या है, ये मूव कर रहा है, ये एक जगह स्थिर नहीं है, ये मूव कर रहा है। तो इस लोड की वजह से इसके सपोर्ट्स पे जो रिएक्शन होगा, इसके अंदर जो शेयर डेवलप होगा और इसे जो बेंडिंग होगी, वो फाइंड करने के लिए मूवेबल लोड की वजह से जो प्रोड्यूस होंगे वो फाइंड करने के लिए हमें एक मेथड यूज़ होता है, जो उससे कहते हैं हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम में क्या है, दो टाइप के लोड्स लगते हैं, जैसे एक पॉइंट लोड होता है और एक UDL होता है। पॉइंट लोड को हम कैसे निकालते हैं, UDL में हम कैसे निकालते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं। तो पॉइंट लोड में हम कैसे निकालते हैं कि भाई हम एक जब एक पॉइंट लोड रखता है तो उस लोड के लेफ्ट हैंड साइड में से जो सपोर्ट से डिस्टेंस होती है उसको हम A बोलते हैं, और वो लोड के राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड से जो सपोर्ट से डिस्टेंस होता है उसको हम B बोल देते हैं। ये तो हमको पता है। तो रिएक्शन निकालने के लिए सबसे पहले जो रिएक्शन निकालने के लिए हमें किसी भी पॉइंट पे, जैसे ए या हमें बी सपोर्ट पे रिएक्शन निकालने के लिए, हम उस सपोर्ट पे वन वाई ऑर्डिनेट ले लेते हैं। वन वाई ऑर्डिनेट लेते हैं कि यहाँ पे हम एक वन सपोज कर लेते हैं, भाई एक वन फिक्स है यहाँ पे सपोर्ट्स पे, भाई वन फिक्स रहता है तो वन रहता है तो, और जहाँ पे जो हमारा जो लोड लगता है वहाँ पे एक ऑर्डिनेट होता है, वो उसका वाई ऑर्डिनेट। तो वाई ऑर्डिनेट हम उसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन है, सी एक्स, ये वाई और ये एक्स, तो दिस वाई इस वाई, इस वाई डायरेक्शन वाई ऑर्डिनेट। तो वाई ऑर्डिनेट दिस, इस ऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए हम सिमिलर ट्राइंगल रूल से सिमिलर ट्राइंगल लगाना पड़ता है कि भाई ये ट्राइंगल इज इक्वल्स टू दिस ट्राइंगल। ये कैसा होता है कि भाई अपना एक क्वेश्चन के अंदर देखते हैं हम कि भाई इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर अपॉन माई बेस इज इक्वल्स टू, इसका रेशियो है ना, इक्वल्स टू दिस ट्राइंगल परपेंडिकुलर टिप बाय ए बाय मतलब बेस। ओके, ये होता है। तो हम इससे करके हम निकाल लेते थे, वन अपॉन में ए बी हमारा इस ट्राइंगल का है, वाई अपॉन में सी बी ये दिस, ये हमारा दूसरा ट्राइंगल का हमारे पास बेस आ गया। तो इससे हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, और फिर y ऑर्डिनेट को हमें मल्टीप्लाई करना होता है w लोड से। हमें रिएक्शन निकालें, y ऑर्डिनेट को w लोड से मल्टीप्लाई करना होता है, जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो हमारा रिएक्शन होता है। सिमिलर थिंग हमें rb के लिए करनी थी। rb में हम y हम वन ऑर्डिनेट लेते हैं सपोर्ट्स के ऊपर, जो दो सपोर्ट में थे वन ऑर्डिनेट लेंगे हम, लोड के नीचे जो ऑर्डिनेट होगा वो उसे वाई बोलेंगे हम। इसकी वैल्यू निकालने के लिए सिमिलर ट्राइंगल से दिस ट्राइंगल एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस ट्राइंगल, तो हमारे पास लगेगा वही। तो हमारे पास परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हमारे पास कितना है, टोटल एल है, इज इक्वल्स टू का वाई अपॉन में हमारे पास इसकी कितनी है, हमारे पास ए है। तो ऐसे करके हमें वाई निकालेंगे और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे हम डब्ल्यू से, तो वो हमारा निकल आएगा हमारे पास वाई ऑर्डिनेट। उससे हम इसका वाई मल्टीप्लाई बाई लोड इज इक्वल्स टू अपना रिएक्शन होता है जो भी फाइंड करना है। अब हम निकालेंगे शेयर फोर्स नेगेटिव और पॉजिटिव। शेयर फोर्स नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे निकालते हैं, जिस जो लोड है उस पॉइंट पर मैं शेयर फोर्स लगेगा, इस पॉइंट में शेयर फोर्स लगेगा भाई, ये अपना यहाँ पे शेयर फोर्स लगेगा कि अपना नेगेटिव ऐसे होगा कि भाई इस पॉइंट को दो पार्ट हो गए बीम के। अब ये पार्ट अपना नेगेटिव है और ये पार्ट अपना पॉजिटिव है, तो नेगेटिव निकालने के लिए नेगेटिव में माइनस का ए बाई एल, ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाई एल, तो हमारे पास ये नेगेटिव के लिए आ गया। पॉजिटिव के लिए हमें बी बाई एल, ये ऑर्डिनेट आ गया। तो हमें नेगेटिव शेयर फोर्स कैसे लेना है और पॉजिटिव शेयर फोर्स कैसे लेना है, कि डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय, हमारे नेगेटिव के लिए डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय ए बाई एल नेगेटिव का, जो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा नेगेटिव शेयर फोर्स होगा, और W मल्टीप्लाई बाय B बाई L होगा, जो आंसर आएगा वो हमारा पॉजिटिव शेयर फोर्स होगा। ऐसे हमें ये यहाँ पे शेयर फोर्स फाइंड करना है। और हमारे लास्ट बेंडिंग मोमेंट है कि ए बी बाई एल, ये हमें पता होना चाहिए। ए बी बाई एल होता है सिमिलर बेंडिंग मोमेंट, एक
एक अकेले लोड किसी स्पान पे लगता है तो हमारा बेंडिंग बेंडिंग मोमेंट होता है ए बी बाई एल। तो यहाँ पे ए बी बाई एल हो गया, इसको ए बी बाई एल यहाँ पे ऑर्डिनेट हो गया अपने पास। इस ऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करना है अपने को इस लोड से, तो वही अपने पास आ गया मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू, वाई मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू। तो हमारे पास आ गया इसका बेंडिंग मोमेंट, ये हमारा यूनिट लोड होता है। यूनिट किसी पॉइंट लोड का एक बीम के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ये बनते हैं, अपना यूडीएल कैसे बनता है। जैसे एक बीम है, बीम के ऊपर अपना यूडीएल लग रहा है, पूरा टोटल स्पान पे एक बी लोड लग रहा है। तो हमें इसको निकालने के लिए सिमिलर हमें रिएक्शन के लिए हमारे RM1 लेनी पड़ेगी, हमने ले ली वन वाई ऑर्डिनेट। और इसके अंदर थोड़े सिमिलर चेंजेस होते हैं। कई सिमिलर चेंजेस कैसे होते हैं कि भाई पूरी बीम की पूरी जहाँ से हम वन लिए वहाँ से लेके यहाँ तक जीरो तक, अगर ये टोटल लग रहा है तो यहाँ का पूरे का एरिया ही इंटू का अपना ये लोड होता है, वो अपना यहाँ पे रिएक्शन होता है। टोटल टोटल एरिया मल्टीप्लाई बाय लोड। अगर यहाँ पे हमारे पास सिर्फ यहाँ तक लगता, जैसे कि अगर यहीं तक लगता ना, हमारे पास सपोज कि हमारे पास सिर्फ लोड इधर तक ही लगता कि यहाँ पे कोई लोड नहीं होता, सिर्फ इधर लोड लगता, तो ये एरिया मल्टीप्लाई बाय ये लोड, तब रिएक्शन हमारा वो होता। और उसके लिए हमारे पास ये वाई फाइंड करना होता है। वो सेम तरीका में वाई कैसे फाइंड करते हैं, वही फर्स्ट ट्राइंगल दिस, सेकंड ट्राइंगल दिस, ओके। रिएक्शन वही सेम चीज़ है, बस यहाँ वाई वन है तो हमने यहाँ वन उठा लिया। फिर बाद में आर बी के लिए अब हम पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे निकालते हैं, वही सेम चीज़ है हमारे पास। ए बाई एल, बी बाई एल, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव के लिए हमने ये पोर्ट पार्ट लिया, इस लोड को फिर हम यहाँ तक ले गए, यहाँ तक मतलब ये जो लोड है ना इसको हम ऐसे ले गए क्योंकि नेगेटिव ही निकाला तो यहाँ तक ले गए। तो इस लोड से इस पोर्शन में जो जो लोड आ रहा है हमने वो काउंट किया। तो क्या क्या लोड हमारे पास, वी बाई एल मल्टीप्लाई इसका करेंगे, एरिया निकालेंगे। तो हमारे पास एरिया कैसे निकलेगा, इसमें नेगेटिव ए बाई एल इंटू का ए हाफ डिवाइडेड बाई टू, क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अभी जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम डब्ल्यू से, लोड है सिमिलर। यहाँ पे नेगेटिव ए आएगा। अब यहाँ पे हम पॉजिटिव के लिए लेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव आएगा, बी बाई एल आएगा हमारे पास। तो हमारे पास इस अब के हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, वन बाई टू इंटू का बी बाई एल मल्टीप्लाई बाय बी, हमारे पास बी है बी। अब ये हमारे पास आ गया एरिया मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू, हमारे पास पॉजिटिव शेयर फोर्स आ गया हमारे पास। अब बेंडिंग मोमेंट वही सिमिलर तरीका, हमारे पास एक वाई ऑर्डिनेट हम लेंगे, ए बी वाई एल लेना ही है वो तो पता है हमको। अब इसमें हमको एक दो पार्ट लेने हैं, दो पार्ट करने हैं इसके, थोड़ा आसानी से करने के लिए, क्वेश्चन को आसानी से करने, हम दो पार्ट कर लिए भाई। वैसे तो पूरे को भी कर सकते हैं भाई, वही है अपना ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी दो पार्ट हमने के लिए कि एक पार्ट में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दिस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दिस, फिर जो हमारा आंसर आएगा उसको, जैसे कि ये आएगा हमारे पास, ये हमारे पास हाफ इंटू बेस, यहाँ पे हमारे ए लगा लो और यहाँ बी लगा लो, हाइट हमारे पास ए बी बाई एल होती है। तो हाफ इंटू ए इंटू ए बी अपॉन में एल, ये हमारे फर्स्ट पार्ट के लिए। फिर सेकंड पार्ट के लिए हाफ इंटू का बी इंटू का ए बी बाई एल, ये हमारा सेकंड पार्ट के लिए। अब ये इस दोनों को जोड़ के हमारे पास इनका जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे लोड से, तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ILD बन जाएगा UDL के लिए। ओके, थैंक यू।